इंटरनेट के छिपे हुए कोनों में आपका स्वागत है। यह वह जगह है जहां छाया राज करती है, रहस्यों का आदान प्रदान होता है और गुमनामी सर्वोच्च राज करती है। हम में से ज्यादातर लोग हर दिन नियमित इंटरनेट का उपयोग करते हैं, लेकिन इसमें एक छिपा हुआ हिस्सा भी है जिसे डार्क वेब कहा जाता है। आप केवल टोर जैसे विशेष सॉफ्टवेयर का उपयोग करके ही इस तक पहुंच सकते हैं। डार्क वेब गुप्त और कभी कभी खतरनाक चीजों से भरा होता है। अवैध बाजारों और साइबर अपराध की सुर्खियों से परे अविश्वसनीय बहादुरी, नई खोज और त्रासदी की कहानियां हैं जो अनकही हैं। आज हम आपके लिए डार्क वेब की गहराइयों से ऐसी तीन कहानियां लेकर आए हैं। हमारी पहली कहानी द गार्जियन नामक एक व्यक्ति के बारे में है जिसकी वास्तविक पहचान अज्ञात है। गुप्त रूप से काम करते हुए दी गार्जियन ने व्हिसल ब्लोअर्स के लिए एक सुरक्षित वेबसाइट बनाई। यह वेबसाइट लोगों को सजा के डर के बिना महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने की सुविधा देती है। इसने भ्रष्टाचार, मानवाधिकार उल्लंघन और पर्यावरणीय अपराधों को उजागर करने में मदद की है। जारी धमकियों और इसे बंद करने के प्रयासों के बावजूद द गार्जियन आगे बढ़ रहा है, क्योंकि वे सच्चाई उजागर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनकी कहानी दिखाती है कि कैसे गुमनाम रहना और डार्क वेब का उपयोग करना भलाई के लिए एक ताकत हो सकता है। हम डॉक्टर एलियास विंटर्स की दुखद कहानी पर नजर डालते हैं। वह एक चतुर वैज्ञानिक थे जिन्होंने दुर्लभ बीमारियों के बारे में महत्वपूर्ण खोजें की, लेकिन मुख्य वैज्ञानिक समुदाय ने उनके काम पर ध्यान नहीं दिया। परेशान और हताश महसूस करते हुए विंटर्स ने अपने शोध को साझा करने और उनके जैसे सोचने वाले अन्य शोधकर्ताओं को खोजने के लिए डार्क वेब का उपयोग करना शुरू कर दिया। डॉक्टर विंटर्स ने कई दुर्लभ बीमारियों को समझने और संभवतः उनका इलाज करने में बड़ी प्रगति करने के लिए गुप्त रूप से दूसरों के साथ काम किया। हालांकि शक्तिशाली दवा कंपनियों की नजर उसके काम पर पड़ी और फिर वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। अब उनका शोध डार्क वेब पर साझा किया गया है, जो इन दुर्लभ स्थितियों वाले लोगों को आशा प्रदान करता है। द हॉन्टेड मार्केटप्लेस। हमारी आखिरी कहानी एक खौफनाक और रहस्यमयी जगह के बारे में है। डार्क वेब की गहराई में एक बाजार है जिसे हॉन्टेड मार्केटप्लेस कहा जाता है। लोगों का कहना है कि यह साइट शापित वस्तुएं, डरावने अवशेष और अनसुलझे अपराधों से जुड़ी वस्तुएं बेचती हैं। इस बाजार का दौरा करने वाले कई लोगों का कहना है कि उन्हें अजीब चीजों का सामना करना पड़ा है, जैसे भूत देखना या बुरी किस्मत होना। चाहे ये कहानियां सच हों या सिर्फ मिथक, हॉन्टेड मार्केटप्लेस अभी भी उन बहादुर लोगों को आकर्षित करता है जो इसे जांचना चाहते हैं। डार्क वेब एक ऐसी जगह है जहां अच्छी और बुरी चीजें साथ साथ घटित होती हैं। ये कहानियां वहां जो कुछ चल रहा है उसका एक छोटा सा हिस्सा दिखाती हैं। हर डरावनी कहानी के लिए एक ऐसी कहानी होती है जो आशा लाती है, और हर बुरे व्यक्ति के लिए एक अच्छी कहानी होती है। सुरक्षित रहें, सूचित रहें और याद रखें, सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा सतह पर दिखता है।